देखो जिन्हें जिहड़ी वजह करके साडे बंदी सिंह अंदर गए ने की वजह हल हो गई है जे नहीं हुई तो फिर आप कल बंदी सिंह छुड़ाउण की गल ना करिए आप वजह की भी गल करिए जिस करके उन्हां दी मिली भुगत नाल सिखां दा कतलेआम होया सी उन्हां दी मिली भुगत दे नाल उदों बेंते दी सरकार ते रल के हिंदुस्तान दी जिहड़ी सेंटर दी सरकार सी जिन्हां ने काम कीते सी जदों सिखां नूं अपने हत्थ कानून लैणा पिया अज उह सिखां नूं बाहर नहीं आउण देणा चाहुंदे सारे दी मिली भुगत जिन्होंने साडे बंदे अंदर रखे ने जिन्होंने बेअदबी कराई की है उन्होंने सजावं नहीं दित्तियां ते माहौल उन्हां दी जिम्मेवारी भावें अज सारा खराब हो जाए ये पंजाब नूं कोई अग लगदी जिम्मेवार असीं नहीं होणे जेल तंग भी किया जाऊ सजा पूरी होने के बावजूद छड़िया ना जाऊ देखो जिन्हें जिहड़ी वजह करके साडे बंदी सिंह अंदर गए ने की वजह हल हो गई है जे नहीं हुई तो फिर आप कल बंदी सिंह छुड़ाउण की गल ना करिए आप वजह की भी गल करिए जिस करके मिली भुगत नाल सिखां दा कतलेआम होया सी उन्हां दी मिली भुगत दे नाल उदों बेंते दी सरकार ते रल के हिंदुस्तान दी जिहड़ी सेंटर दी सरकार सी जिन्हां ने काम कीते सी जदों सिखां नूं अपने हत्थ कानून लैणा पिया अज उह सिखां नूं बाहर नहीं आउण देणा चाहुंदे सारे दी मिली भुगत अगली रणनीति की होनी चाहीदी है मोर्चे दी देखो अगली रणनीति होई है मोर्चा उन्हें तिखी इहदी दिशा करनी पवेगी जे जे हुकूमत नहीं सुनदी प्रेम नाल गल फिर सानूं रुख बदलना पवेगा कई लोग यह भी कहंदे है कि माहौल खराब नहीं होना चाहिए पंजाब दा माहौल भी ठीक रहे तो सिंह भी रिहा हो जाए माहौल खालसा चढ़दी कला ते रहे किवें माहौल जे साडे ते बोझ नहीं भी माहौल खराब हुंदा कि नहीं हुंदा जिन्होंने साडे बंदे अंदर रखे ने जिन्होंने बेअदबी कराई की है उन्होंने सजावं नहीं दित्तियां ते माहौल उन्होंने जिम्मेवारी भावें अज सारा खराब हो जाए ये पंजाब नूं कोई अग लगदी जिम्मेवार असीं नहीं होणे रवनीत बिट्टू कहिंदा जे मेरा इक वी साह बचा उन्ना चिर मैं बाहर नहीं आउण देवांगा बंदी सिंघां नूं जोर मेरा पूरा कोई नहीं उहनूं कहो वी तेरे दादे ने वी तेरा कुछ अच्छी पंजाब हर जिहड़ा धर्म रहिंदा हैगा की मैसेज है क्योंकि इहो जिहा माहौल ना बणे कि गलत मैसेज आ रहा मसला नहीं गा है पंजाब दे हक्कां दी गल है पंजाब च रहिंदा हर जिहड़ा धर्म दा जिहड़ा बंदा है उन्होंने पंजाब की आजादी चाहिए है जे देखो 84 के बच्चे जो आजादी मिल जाती सू उस तो बाद अज जो हिंदुस्तान दिशा पंजाब की ना होंगी घट्टो घट अमृतपाल जी साढ़े जो कुछ किया जा रहा है गुलामी कर पंजाब कोई हिंदू भी गुरु घर जाता है उसी भावना जिम्मे वो मंदिर जाता है तो की संदेश है सारे हर धर्म देखो साडा तो पंजाब का हिंदू साढ़े वास्ते विरोधी वो है जरा दिल्ली के पक्ष खिलाता है वो चाहे सिख खिलोजे चाहे हिंदू खिलोजे है चाहे मुसलमान खिलोजे गुलामी की निशानी है देखो राम रहीम उन्हों का बंदा है हुकूमत का राम रहीम परोल भी दी जाऊगी सहूलत भी दी जाएंगे साडे बंद जेलों के तंग भी किया जाऊ सजा पूरी होने के बावजूद छड़िया ना जाऊगा आजादी तैयार ਉਨੇ ਕੋਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੋਕਾ ਟਕਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਦਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ